हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। दिस इज़ विनय सर। और आई एम वेरी सॉरी दैट इतना डिले हो गया। बट बेटा, अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर हैलाइड्स, ठीक है? और उसमें लेवल वन और उसमें क्वेश्चन नंबर वन से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे बेटा। पर अगर आप लोग नए हो चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो आप समझते हो बेटा, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब? कि जो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज़ होती है। क्या बेटा? पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिखा है कि ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ आर न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ऑब्वियसली बात है बेटा, जैसे कि OH नेगेटिव की बात करूँ, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव की, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये H+ की तरफ अट्रैक्ट होगा। H+ मतलब क्या बेटा? न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना? तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस। ऑब्वियसली बात, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन पैर है, ये इलेक्ट्रॉन पैर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो ये किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, ठीक है? तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि अल्किन्स, अल्काइन्स, बेंजीन, पायरोल्स एंड आर न्यूक्लियोफाइल्स। अगर हम इन सब में एक चीज़ कॉमन देखें तो बेटा अल्किन, अल्काइन, बेंजीन। अगर मैं बेंजीन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए बेटा, बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ठीक है? यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स आएंगे। और आप सब जानते हैं कि बेंजीन क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो देखिए बेटा, इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है? और ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो उसको डोनेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब बेंजीन रिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये खुद क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी क्या बेटा? सही है। तो वैसे ही ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका डी, ऑल आर करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट स्टार्ट करें। कंसिडर द स्पीशीज आर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का बहुत सिंपल सा मतलब क्या होता है बेटा, बात समझना, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है? मतलब कि सपोज कोई एक ए है, इसको मैं बोलता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल है, और ये मैं बोलता हूँ एक बी है, इसको मैं बोलता हूँ ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं बोलूँगा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है। मतलब आपको समझना है कि ए कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है और बी कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। तो सिंपली है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी बेटा? कम होगी, वो उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, है ना? और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी क्या हो जाएगी बेटा? उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे चार्ज है हमारा ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे चार्ज है हमारा ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे चार्ज है हमारा कार्बन के ऊपर, यहाँ पे चार्ज है हमारा किस पे बेटा? नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है? तो अगर आप अच्छे से देखें तो जो हमारा कार्बन पे नेगेटिव है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को डोनेट कर सकता है ना? तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है बेटा? सबसे ज़्यादा। तो ये थर्ड वाला तो सबसे आगे होना चाहिए। थर्ड वाला आगे कहाँ पे? देखो बेटा, ऑप्शन ए में आगे है और ऑप्शन डी में आगे है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से हमने, एक सेकेंड ना, एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या कर दिया बेटा? एलिमिनेशन मेथड से हमने ये वाला जो है इसको तो एलिमिनेट कर ही दिया है, कर दिया ना इसको एलिमिनेट, और इसको भी एलिमिनेट कर दिया है। अगर आप अच्छे से देखें ए और डी के अंदर, तो ए वाले में क्या बेटा? नंबर तीन वाला आ गया, डी वाले में भी नंबर तीन वाला आ गया, है ना? तो आप अगर आप अच्छे से देखें कि अब इसमें थ्री आ गया है, इसमें फोर है, इसके बाद थ्री के बाद फर्स्ट। अब देखना हमको कि फर्स्ट एंड फोर्थ में कौन सा वाला आगे होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। आप सब जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हो? अगर मैं आपसे बात करूँ OH नेगेटिव आयन्स की, और मैं आपसे बात करूँ NH2 नेगेटिव आयन्स की, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा बेटा? NH2 की। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये ए वाला, ठीक है? तो ये हमारा जो ए है इसको आप ऐसा गोला करके आओगे तो आपको चार नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको आप समझ सकते हो, ठीक? अब टू की वन से ज़्यादा क्यों है? टू की वन से बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे जो CH3, ये क्या बेटा? प्लस आई का ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिसके वजह से यहाँ इस OH नेगेटिव के कंपेरिजन में ये CH3O नेगेटिव क्या है? ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या? सेकेंड का ए, ठीक? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो। बहुत सिंपल है, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो बेटा, इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सेकेंड वाले पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और थर्ड वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और फोर्थ वाले में एफ पे नेगेटिव चार्ज है। अब वापस से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, हम सब जानते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, कहाँ से बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर क्या हो जाएगी, कम, है ना। सपोज आपको पैसे बहुत पसंद है, एक बच्चा है, इसको चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, इसको क्या पसंद है बेटा, इसको चॉकलेट बहुत पसंद है। तो एक बात बताओ, क्या इसको चॉकलेट जब बहुत पसंद है तो किसी गरीब इंसान को चॉकलेट देगा क्या, नहीं देगा। वैसे ही है, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो वैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कार्बन से क्या होगी, कम। तो इसको ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, कैसा वाला बेटा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे आराम से कि कार्बन की सी, मतलब जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा, तो ऐसा ऑप्शन का है हमारा थर्ड में बेटा। आप देख सकते हो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये रहा रेंज, तो सेकेंड वाला हमारा करेक्ट, ठीक है। और बेटा प्लीज़ आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ अपने स्टेटस शेयर करो यार, स्टेटस पे लगाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इन द ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। वापस से सेम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का मतलब वही, वापस से न्यूक्लियोफिलिसिटी की ही बात कर रहा है आपसे ये, ठीक है। तो आपको बस वो देखना है, देखो बहुत सिंपल चीज़ होती है कि न्यूक्लियोफाइल पे आप कुछ आपको नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दे रखे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज है, जिस केस में वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, क्या बेटा, जिस केस में वो सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल चार्ज क्या होता है बेटा, वो रहना नहीं चाहेगा उस आइटम के पास, तो वो क्या करेगा, आइटम उस चार्ज को डोनेट करना प्रेफर करेगा। अगर वो डोनेट करेगा फास्ट तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, ठीक है। और वही अगर नेगेटिव चार्ज आपका क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज अगर आपका स्टेबल है, क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज अगर आपका स्टेबल है, तो क्या है कि नेगेटिव चार्ज को वो आइटम क्या करेगा, डोनेट करना प्रेफर नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखना, जिस केस के अंदर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, और जिसमें स्टेबल होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, ठीक है। देखते हैं, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर पहले मैं बना लूँ आपके लिए। यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ओ एच नेगेटिव, ठीक। सेकेंड है आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास OCH3, OCH3, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है, एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे O नेगेटिव अटैच है, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल तो आप देख सकते हो कि देखो ये नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे, तो ये रेजोनेंस के अंदर गया, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सकता, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये भाई साहब रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी भाई साहब रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों तो पीछे रहने वाले हैं, ठीक। अब देखते हैं, और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है इससे, और इस नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैच है बेटा, CH3। और हम सब जानते हैं CH3 होता है बेटा प्लस आई का ग्रुप, है ना। तो अगर ये प्लस आई का ग्रुप है तो क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो इसको क्या बनाएगा, अनस्टेबल बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है बेटा, OCH3। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये है, तो इसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी बेटा, सबसे ज़्यादा होगी। और इसी इलेक्ट्रॉन की सबसे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो, ठीक है। और अगर आप सोचो कि यार यहाँ पे OCH3 अटैच है, ये आप इस तरीके से कंसिडर करके चल रहे हो, ठीक है। बट दिक्कत क्या होती है ना, कि इसी में हम अपनी गलती कर देते हैं, बिकॉज हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे कार्बन अटैच है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो क्या होता है कि अगर हम OH बॉन्ड की बात करें और हम OC बॉन्ड की बात करें, तो जो कार्बन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो कार्बन क्या करने वाला, थोड़े से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पिक करेगा, वेयर एज ये कुछ नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे जो O नेगेटिव है एस कम्पेयर टू ये OH वाला O नेगेटिव, तो ये ज़्यादा स्टेबल है एस कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है याद रखना, ऊपर से एटम की साइज भी बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर ये आपको याद है तो देखिए फिर सबसे आगे कौन आएगा, सबसे आएगा OH नेगेटिव आएगा सबसे आगे, उसके बाद आएगा OCH3 नेगेटिव, ठीक है।
इतना समझ में आ गया आपको? और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अब आप देखिए इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है। आप लोग बोलोगे सर इसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है, बट ये ऐसा स्टेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, तो OH नेगेटिव ये। फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा? इसके बाद आएगा आपका C6H5O नेगेटिव, और उसके बाद आपका ये वाली स्पीशीज। तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ये ऑप्शन बी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि आपको ये वाला ऑर्डर याद होना चाहिए कि जो OH नेगेटिव होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस वाले पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा होती है, ठीक है? इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत सिंपल है, नेगेटिव चार्ज जिस पे जितना स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज जिस पे जितना स्टेबल होगा या फिर जितना डिस्पर्ज होगा उतना उसकी लिविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है उतनी ज़्यादा होती है, याद रखना हमेशा। अब आप बात करें एफ नेगेटिव की, सी एल नेगेटिव की, और फिर बाद में बी आर नेगेटिव की, और साथ में फिर आई नेगेटिव की, ठीक है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17 ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक? चलो अब देखते हैं कि किस तरीके से। आप लोग सोचोगे कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा स्टेबल होगा, ये गलत सोच है आपकी। क्यों? क्योंकि अगर हम साइज कंपेयर करें तो फ्लोरीन इत्तू सा होता है, क्लोरीन इत्तू होता है, ब्रोमीन और बड़ा होता है, आयोडीन और बड़ा होता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे साइज का और बेटा बढ़ रहा है वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिस्पर्स करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं साइज बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या बेटा, ज़्यादा डिस्पर्स हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स किसके केस में होगी, वो आयोडीन के केस में, ठीक है? तो जो आयोडीन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है, तो आयोडीन अच्छा, हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आयोडीन देखो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कहाँ है, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन डी में भी। फिर आयोडीन के बाद कौन आना चाहिए, बी आर, बट यहाँ पे है सी एल, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, ये हमारा ऑप्शन ए हो गया हमारा सही, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा मार्क लाने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि 2-क्लोरोब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और 70% एसिटाइलाइजेशन हो गया। आपको बताना है परसेंटेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट कितना बना। अब एक बात समझो बेटा, ये इसने बहुत सिंपल स्टेटमेंट पहले बोल दिया कि जो 70% है वो एसिटाइलाइजेशन हो चुका है, ठीक है? अब 70% एसिटाइलाइजेशन हो चुका है इसका मतलब क्या होता है कि या तो 35% इसका एक आइसोमर होगा, दूसरा भी 35% होगा, यही बात है ना? 35% मान लेता हूँ मैं इसका प्लस आइसोमर है और 35% माइनस आइसोमर है, ठीक है? तो पूछ रहा है कि रेसिमाइजेशन हुआ परसेंटेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट बताओ। ऑब्वियसली बात है कि इस रिएक्शन में क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है। तो जब 35-35% मतलब 70% तो रिएक्शन का क्या हो चुका है, रेसिमाइजेशन। कितना परसेंट बचा, 30%। तो 30% अगर आप अच्छे से देखें बेटा, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो 30% अगर आप अच्छे से देखोगे तो जो 30% है हमारा वो क्या होगा, परसेंटेज इन्वर्टेड होगा। अब ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या, इट कैन बी प्लस इट कैन बी माइनस, है ना बेटा? अब हमको पता ही नहीं कि वो प्लस है कि माइनस है, बट एक बात हमको पता ही है कि या प्लस हो या माइनस हो उसका परसेंटेज तो कितना, 35% ही है। तो 30+35 कितना हो जाएगा बेटा, 65%। तो जो परसेंटेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट उसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 65%, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या चीज़ आ गई है, हार गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सिक्स हो गया, सेवन्थ। ये रिएक्शन इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपको बताना है कि एच एक्स जब आपके पास है एच एक्स, तो आपको बताना है कि किस तरीके से, ठीक? आपको बताना है कि जो एच एक्स है इसकी रिएक्टिविटी आपको बतानी है, ठीक? एच आई, एच सी एल, एच बी आर, इस तरीके से रिएक्टिविटी बतानी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको डिस्कस करके देख लेते हैं। देखिए बेटा क्या होता है ना कि अगर आप लोग इस तरीके से देखना चाहते हैं कि यार ये किस तरीके से होता है, तो बहुत सिंपल है, आपको बस देखना है कि यहाँ पे एच आई है, यहाँ एच बी आर है, यहाँ एच सी एल है, ठीक? अब आपको समझना है कि यहाँ पे रिएक्शन होती कैसे। देखो बेटा अगर रिएक्शन लिखने जाएँ हम, तो C2H5, यहाँ पे OH है आपके पास, यहाँ पे जो एच एक्स होता है ये क्या काम करता है, ये एच प्लस प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है? ये एच प्लस क्या करते हैं, पहले इस ऑक्सीजन को जाके क्या कर देते हैं, प्रोटोनेट कर देते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5+, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है साथ में, इतना तो आपको पता ही होगा।
अब देखिए इस रिएक्शन में ये जनरेट होगा, फिर क्या होता है उसके ऊपर एक्स नेगेटिव अटैक मारता है इस तरीके से और बन जाता है क्या बेटा C2H5X। अब दिक्कत क्या है कि एच प्लस, अब देखो एच आई भी एच प्लस दे सकता है, एच बी आर भी दे सकता है, एच सी एल भी दे सकता है। अब बात आती है कि कौन फास्ट देगा, क्योंकि जो जितना फास्ट देगा रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो और रिएक्टिविटी तो पूछ रहा है वो, रिएक्टिविटी मतलब क्या, बहुत फास्ट रिएक्ट करने वाला। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सब जानो, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, एच आई ठीक है, और एच बी आर और एच सी एल, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो आपको पता ही है। तो मैं स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से बनाता हूँ, हाइड्रोजन ये है, आयोडीन ये है, ये तूसा है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, ये तूसा है, ये उससे और छोटा हुआ। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि जो बॉन्डिंग एटम है, बॉन्डिंग एटम हाइड्रोजन के साथ, उसकी साइज़ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और अगर हम यहाँ से यहाँ पे बात करें तो साइज़ क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। तो हमेशा याद रखना जैसे जैसे बॉन्डिंग एटम की साइज़ क्या होती है बेटा, बड़ी होती जाती है बॉन्डिंग एटम की साइज़, तो क्या होता है हमारे जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ये वीक हो जाता है। और अगर बॉन्ड वीक हो जाता है तो यहाँ से जो एच प्लस है इसके निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस तो याद रखना कि जो एच आई होता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एच बी आर, एज कम्पेयर टू एच सी एल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक। चलो आगे डिस्कस करते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन हो गया। वैसे तो फॉर्मिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये तो आप सब जानते हो कि देखो बेटा इस रिएक्शन में अगर आप सब करके देखोगे तो सारी रिएक्शन, जैसे कि ये देखो इसमें क्या होगा, पहले पी बी आर थ्री बनेगा, फिर पी बी आर थ्री इसके साथ रिएक्ट करके इसको हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, के बी आर कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर ये भी इसको कन्वर्ट कर सकता है, एस ओ सी एल टू ये भी कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे क्लोराइड लग जाएगा, एस ओ टू गैस, एच सी एल गैस एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्जन्स रिएक्शन, तो डार्जन्स रिएक्शन आप सब जानते हैं कि जब एस ओ सी एल टू की रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इस रिएक्शन में जब अल्कोहल रिएक्ट करता है आपका एस ओ सी एल टू के साथ, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड बनता है, एच सी एल बनता है, और साथ में एस ओ टू गैस बनती है। तो इससे क्या होता है कि जो बाय प्रोडक्ट है ना, ये गैसीय स्टेट में बनते हैं। तो गैसीय स्टेट में बनने की वजह से क्या होता है कि रिएक्शन को प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत प्योर फॉर्म में मिलता है अल्काइल हैलाइड। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। द एस एन टू रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड इज, बहुत सिंपल है, रिएक्टिविटी बात कर रहे हैं पर एस एन टू रिएक्शन, पहले समझते हैं एस एन टू होता क्या है। एस एन टू हम सब जानते हैं, यहाँ पर टू लिखा है इसका मतलब है वन स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है। अब एस एन टू लिखा है वन स्टेप रिएक्शन होगी, इसका मतलब क्या है कि एक ही स्टेप, मतलब कि सपोज आपका एक अल्काइल हैलाइड है, इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सेम स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये हमारा इस तरीके से ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक। और आप बोलोगे सर ये तो ठीक बात है, बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आर आई है, आर बी आर है, आर सी एल आर एफ है, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो एक्स है ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्या बेटा, ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ये वाली चीज़, उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी अटैक मार तो रहा है, सारे के केस में न्यूक्लियोफाइल तो दे ही नहीं रखा इन्होंने, आर एक्स के केस में पूछा रिएक्टिविटी, ठीक है। तो अटैक मार दिया, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकल गया आपका सिंपल सा। तो जितनी अच्छी लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी हमारे एक्स की यहाँ पे, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो हम सब जानते हैं कि आई माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, फिर उसके बाद बी आर माइनस, उसके बाद सी एल माइनस, उसके बाद एफ माइनस। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो अल्काइल आयोडाइड होगा इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, सिंपल लिविंग ग्रुप एबिलिटी के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में क्वेश्चन नंबर 11, द एस एन वन रिएक्शन, याद रखना एस एन वन टू स्टेप की रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या बनता है बेटा, कार्बोकटायन बनता है, बहुत सिंपल चीज़ है। ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट, और 11 हो गया। 12 देखो इसमें बोला कि रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, जिसके अंदर जो रेट है हमारी वो डिपेंड होती है डिपेंडिंग अपॉन ओनली आर सी एल के ऊपर डिपेंड है,
जो दूसरी स्पीशीज है इस पर रेट डिपेंड नहीं है। तो एक बात बताओ, डबल ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बात बताओ जब इस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड ही नहीं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप कुछ भी कर लो, क्या रेट पर फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, बहुत गलत है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हाफ हो जाएगी रेट अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन अल्काइल हाइड्राइड का हाफ किया। बहुत सिंपल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो हमारा रेट लॉ है, जो हमारा रेट लॉ है बेटा, उस रेट लॉ में अगर अच्छे से हम देखें तो रेट लॉ के अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर नीचे करोगे तो रेट में भी ऊपर नीचे चेंजेस आएंगे। तो सिंपल है, अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन की रेट भी हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन भी हमारा क्या बेटा, करेक्ट है। ठीक, हमेशा याद रखना कि रेट लॉ में जो स्पीशीज मतलब इन कॉम मतलब पार्टिसिपेट लेती हैं, मतलब रेट लॉ में जो स्पीशीज लिखी जाती हैं, बस उनके कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर नीचे करने पे या वेरी करने पे रिएक्शन की रेट डिफर होगी। बाकी जो रेट लॉ के अंदर नहीं है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे देखते हैं, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ PCl5 2 की, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है एसिटाल्डिहाइड की। आपको अगर एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आता है तो बना लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कुछ नहीं होता, ये होता है। ठीक, इसी की रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ। इसके साथ PCl5 के साथ बहुत सिंपल है, ट्रिक बताता हूँ, कुछ नहीं करने का। ये जो डबल बॉन्ड ओ है ना, इसको रिप्लेस कर दो। देखो दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है ना, इसको हटा के सिंपली क्या करने का, दो Cl लगा देने का, बस बन गया CH3CCl Cl और यहाँ पे H। ठीक, आप देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इथाइल क्लोराइड, इसमें देखिए क्लोरीन है तो ये तो हो नहीं सकता। देखो ये भी एक क्लोराइड, ये भी हो नहीं सकता। ट्राई क्लोरो, ये भी नहीं हो सकता, मतलब कौन सा बचा, ये बचा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 13 का C। अगर आप इसका नाम जानते थे तो अच्छी बात है, इसको इथाइलिडीन डाइक्लोराइड भी कहते हैं। अगर नहीं जानते थे तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। आगे, विच ऑफ द अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लोफाइल, मतलब विनाइलिक हैलाइड्स अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? बहुत सिंपल है, विनाइलिक हैलाइड अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से एक चीज़ नोट करो, विनाइल हैलाइड क्या होते हैं कि जो हैलोजन है वो एक sp2 कार्बन से अटैच होगा। किससे अटैच होगा बेटा, एक sp2 कार्बन से। ठीक है, तो क्या होता है, हेलोजेंस के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से रेजोनेंस करते हैं, जिसके वजह से ये जो हमारा भाई साहब ये हेलोजन है ना, इसके बीच में क्या आ जाता है बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आप देख सकते हैं ये हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसी के वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब एक्स जो सिंगल बॉन्ड से अटैच था, अब वो किससे अटैच है बेटा, डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत कम हो गई, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। तो याद रखना कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप्ड इन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड बाय रेजोनेंस, इसी वजह से क्या होती है, अनरिएक्टिविटी होती है। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 डन। क्वेश्चन नंबर 15, एन अल्काइल हैलाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड आपके पास, इसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। किस में बेटा, अल्कोहल में। क्या करोगे, कुछ नहीं करने का, चुपचाप से OH नेगेटिव लाओ और इसका अटैक इस पर करवाओ, यहाँ से X को निकलवा दो। तो ये क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी, करेक्ट। ठीक है, चलो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज की जगह ले लेता है, ये निकल गया उसकी जगह ये आ गया। 14, 15 डन। अब देखते हैं आगे, इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको बताना है कि एग्जांपल क्या है। बहुत सिंपल, देखो क्या हुआ कि यहाँ पे CN नेगेटिव ने Br को रिप्लेस कर दिया, मतलब CN ने Br की जगह ले ली, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है और ये भी भाई साहब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बहुत सिंपल चीज़ है, देखिए बेटा यहाँ पे जो हमारा जो C2H5Br है, इसको
सी एन नेगेटिव क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है ना बेटा, सी एन नेगेटिव अटैक कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जो अटैक करता है उसके ऊपर नाम रखा जाता है। तो सी एन नेगेटिव क्या है हमारा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग भी एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है ना बेटा। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो हमेशा याद रखना नाम किसके बेस पर रखते हैं, जो अटैक करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं होता। इस सिंपली क्या होता है कि जो हमारा आपको याद होगा फिनॉल का सिंथेसिस याद होगा, जिसमें क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग NaOH से। ठीक है, तो क्या होता है याद रखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बनता है हमारा इंटरमीडिएट, क्या बनता है बेटा, कार्बेनियन बनता है। ठीक है, कार्बन आयन बनता है कार्बन पे नेगेटिव वाला। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो ये क्या करेंगे, कार्बानियन जो बनेगा हमारा उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसी केस में क्या होगी, रिएक्शन की रेट बहुत कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बेटा, डी। अब एक बात याद रखना कि इसमें भी रिएक्शन होगी तो सही, बट इन इसके और इसके और इसके कंपैरिजन में सबसे क्या होगी बेटा, कम होगी। तो आपको इस तरीके से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है एग्जाम में। ठीक, अरे इन द फॉलोइंग अल्काइल क्लोराइड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। बहुत सिंपल है, डिक्रीजिंग और लगाना है आपको, स्ट्रक्चर बना लेते पहले। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसे बनता है बेटा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये आपका स्ट्रक्चर बन गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का। फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब सिंपली प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये बन गया आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये बन गया आपका। और उसके बाद है मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब सिंपली ये बन गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड। कौन सी रिएक्शन बेटा, SN1। तो याद रखना SN1 में क्या बनता है बेटा, SN1 में बनता है कार्बो कटायन। क्या बनता है बेटा, कार्बो कटायन। देखो जहाँ पे हैलोजन अटैच है वहीं पे कार्बोटाइन बनेगा, तो कार्बोटाइन यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे कार्बोटाइन बनेगा, फिर यहाँ पे भी कार्बोटाइन बनेगा, और यहाँ पे भी कार्बोटाइन बनेगा। अब देखो कि कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा होगी, मतलब SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। तो हमेशा याद रखना कि जो रेट होती है, रेट या फिर रिएक्टिविटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बेटा ये कौन सा डिग्री का कार्बोकैटायन, 2, ये 1, ये 3 और ये 1। सिंपल है, अब देखो सबसे ज़्यादा रेट किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसकी क्या है बेटा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, वो क्या करेंगे, प्लस आई से स्टेबलाइज करेंगे उसको, है ना। तो ये जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये सबसे आगे होना चाहिए। कहाँ कहाँ आगे है, ये सिर्फ ऑप्शन कौन सा आगे है बेटा, सिर्फ ऑप्शन ए में आगे है। तो 18 का करेक्ट आंसर देखो ए, अपने आप ऐसा आ गया, सिंपल से तरीके से आ गया। मोस्ट रिएक्टिव, देखो वापस से वही कॉन्सेप्ट अपनाओ। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, रेजोनेंस करेंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा। लोन पेयर है, रेजोनेंस कर सकता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा। बेंजीन के साथ अटैच है, ये भी रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बट देखो क्लोरीन अटैच है एक sp3 कार्बन से, फिर उसके बाद अटैच है sp2 कार्बन से, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी जनरेट नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्लोरीन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वॉट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड रिएक्शन विद R2 ब्रोमो ब्यूटेन। बहुत सिंपल चीज़ है, याद रखना हमेशा कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपका रिएक्टेंट R है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, S में। क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है, R कन्वर्ट हो जाता है S के अंदर। तो देखो R का बन जाएगा S, तो करेक्ट आंसर ये है हो सकता है, तो यही हमारा यही ऑप्शन दे रखा है बस, एक S वाला, तो करेक्ट आंसर हो गया S2 ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं बेटा, बट प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, फिर मैं और लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री लेक्चर अच्छा लगता है, जय केमिस्ट्री लिखा करो, कोई दिक्कत है आपको तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो। और पहली बार मैंने ट्राई किया है तो थोड़ी गलतियाँ हुई मुझसे, बट धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे, आदत पड़ेगी जैसे मुझे सिस्टम की। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।